हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विजेता ब्लॉग्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने कैसे हमारे लाइफ को चेंज करके रख दिया है, इसका असर हम सब पे पड़ा। ऐसे में हम बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए अपने हेल्थ को लेकर। ऐसा नहीं था कि पहले हम केयर नहीं करते थे या हम केयरलेस थे, बट अब एक्स्ट्रा केयर करने लगे हैं। दिन में कितनी बार हम हैंड वॉश करते हैं, वो भी 20-20 सेकेंड तक खुद को सेफ रखने के लिए। ऐसे में हमें जरा सा भी कोल्ड कप बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। अगर गलती से भी कहीं हमें छींक आ जाती है तो सब हमें ऐसे देखते हैं जैसे मानो क्या हो गया हो। ऐसे में बहुत जरूरी है अपने हाइजीन को मेंटेन करना, अपने बॉडी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हो। अगर आप इस चीज का सेवन करोगे तो आपको कोई भी वायरस छू नहीं सकता, आपको कोई कभी भी कोल्ड कफ नहीं होगा। इसे हम एलो टी, काढ़ा या हल्दी पानी भी आप कह सकते हो। इसका वर्णन हमारे आयुर्वेद में भी किया गया है। काफी लॉन्ग टाइम से इसे डेली रूटीन में इसे यूज करते आ रहे हैं लोग। इससे क्या होता है कि आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, बहुत सारी तकलीफों से आप दूर रहते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जिसे कर्कुमीन कहा जाता है। कर्कुमीन एक ऐसा एंजाइम होता है जो शरीर के अंदर जाके हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, आपके ब्लड को भी क्लीन करता है। इसे आप इनर ब्यूटी भी कह सकते हो। ये हमारे स्किन और हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो अगर आप इसका रोज सेवन करते हैं तो ये आपके लिए 100% बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज मैं इसी का रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम पानी को डाल देंगे। यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी का यूज कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद से हम गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक कि हम बाकी इन्ग्रीडियंट को इकट्ठा कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा अदरक भी डालूंगी। अदरक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाया जाता है। उसके बाद से मैं इसमें 2 लौंग डालूंगी और कुछ तुलसी के पत्ते, और मैं लेमन का भी यूज करने वाली हूँ, और हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा मैं काली मिर्च डालूंगी। काली मिर्च भी आप 2 ले, मैं यहाँ पे पाउडर का यूज करने वाली हूँ। हल्दी में एंटीवायरल, एंटी फंगल्स और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। काली मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। और तुलसी एक औषधि के रूप में जाना जाता है जो कि हमें कई सारी बीमारियों से दूर रखता है। तो यहाँ पे मैं बहुत कम हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। आप पानी की हिसाब से ही हल्दी की मात्रा रखें और लौंग को ज़रूर क्रश कर ले। जो 2 लौंग था मैं उसी को डाल रही हूँ उसमें, और थोड़ा सा मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद से मैं इसमें तुलसी का पत्ता डालूंगी जो कि सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद से जब हमारा ये इंग्रेडिएंट अच्छे से पक जाए, उबाल आ जाए इसमें, तब हम इसको छान लेंगे ताकि जो कि बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाहर निकल जाए। और इसे हमें गर्म ही पीना है, तो बहुत ज़्यादा इसे ठंडा ना रखें और गर्म गर्म ही इसका सेवन करें। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब इसमें मैं 1 स्पून हनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नमक वाला पीना है तो आप हनी ना ऐड करके काला नमक डाल सकते हैं। और उसके बाद से इसमें अपने स्वाद अनुसार आप नींबू डाल सकते हैं। नींबू को कट कर लें और इसको निचोड़ लें। तो हमारा ये इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक बनके रेडी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इसे हमें सेवन कैसे करना है, यानी कि हम इसे लेना कैसे है। आप जब भी चाहे इसे आप ले सकते हो। दिन में एक बार बस आप लें, बहुत ज्यादा लेने की कोशिश ना करें क्योंकि इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत स्पाइसी होते हैं और गर्म करता है आपकी बॉडी को, इसलिए कम क्वांटिटी में लेकिन आप इसे डेली सेवन करें। आप इसे खाली पेट लेते हैं तो ये आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगा। आप कुछ खाने के बाद भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा पचाने का भी काम करता है। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मैं आपके लिए ब्यूटी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।